नमस्कार इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। गुरदासपुर विच नगर कौंसल चोणां दा अखाड़ा बिल्कुल पक गया है, जिथे अज नामजदगी पत्र दाखिल करन दा आखिरी दिन सी तां हर पार्टी दे उम्मीदवार अपने अपने नामजदगी पत्र करवाए दाखिल। उत्थे जेकर गल करिए अज पंजे दे चोण निशान ते नगर कौंसल चोणां विच उतरे उम्मीदवारां दी तां विधायक पाड़ा की अगवाई विच उतरे नगर कौंसल दे चोण दे उम्मीदवारां च 29 सीटां उपर ही उम्मीदवारां ने करवाए नामजदगी पत्र दाखिल। पाड़े ने 29 सीटां उपर ही भारी बहुमत नाल जित प्राप्त करदा कीता मजबूत दावा पेश। इस मौके ते पत्रकारां नाल गलबात करदिआं पाड़ा ने साथी कौंसलरां नाल कहा कि अज मैं 29 उम्मीदवारां नाल खुद कागज़ दाखिल करवाए हन। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 4 सालों में किए विकास कार्यों को लेकर चोन मैदान में उतरिया हाँ। उत्थे ही उन्होंने कहा कि चोणां शांतिमई तरीके होणगियां अते आपसी भाईचारक सांझ भी कायम रहेगी, जो कागज दाखिल करवाने के लिए दिखाई भी दी जिते हर पार्टी का नुमाइंदा एक दूसरे के गले मिल के बेस्ट विशेष देता नजर आया। देखो इंसाफ टीवी के ब्यूरो की प्रशांत की खास रिपोर्ट। अज शहर गुरदासपुर हल्के 29 वार्डा ने, वो 29 दे 29 कैंडीडेट इतने पहुंचे आ और सारिया के नाल मैं जिहड़े कागज कले कले दाखिल करवा रहा और मैं आपकी जिहड़ी इलैक्शन आ वो पिछले 4 साल के किए हुए कामों के आधार पर जिहड़े कैंडीडेट दिते आ और सब तो जी अहम गल है कि मेरे वालों बिल्कुल सारियां ये हिदायत कि जिहड़े गुरदासपुर हल्के दे विच चोणां होण जा रही म्यूनसिपल कमेटी दियां वो बिल्कुल शांतिपूर्वक होण और आपसी भाईचारक सांझ जिहड़ी साडी कायम रहनी चाहीदी है और जिस किसी के भी कागज़ जिहड़े आ ऊनता ही रह जाए या किसी तरह की कोई पोलिटिकल जिवें जो सिस्टम चलता आया पिछे वो सिस्टम के मैं बाहर हाँ। मैं हर एक ऑफिसर्स नूं अपील की है कि किसी का भी कागज़ जिहड़ा वो फाइल रिजैक्ट नहीं करनी और ईवन इत्थे कई आए भी आ मेरे होंदे आ जिहड़े कल फाइल जमा करा गए सीगे दूजियां पार्टियां तो अज जिहड़े डॉक्यूमेंट्स लैके आए आ ते अफसर डिनाई कर रहे सी कि अज नहीं। मैं कहा नहीं लो जे किसी का रह गया लै लो, अज भी डेट हैगी। मैं मतलब ये कहना चाहुंदा कि आपां राजनीतिक उपर उठ के जिहड़ियां चोणां ने ये चोणां ते एक सिस्टम बनया है, उस सिस्टम के नाल साडी भाईचारक सांझ नहीं टुटनी चाहिए। सो इत्थे सारे बीजेपी वाले भी खड़े ने, दूसरे भी खड़े ने, तो सारयां दे नाल रल के असी एक बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग दे नाल मैं सारयां नूं अपील करांगा पूरे समुचे पंजाब च कि शांतिपूर्वक ढंग नाल जिहड़ियां चोणां निपरे चढ़नियां चाहीदे। मनोज नूं लै के जिहड़ा चोण मैदान दे विच उतरे जा रहे आ, किस अपील दे उप्पर वोट मंगी गई है? देखो अपील ये लोगों नूं पता, लोग जानते हैं काम नूं वोट पैंदी आ। मैनूं तां ही लोगों ने वोटां पिछे जदों MLA बणे सी उदों बड़ी वड्डी लीडना जताया सी और अज 4 साल मेरे बीत गए ने, चाहे वह बस स्टैंड आ, चाहे अंडरब्रिज ने, चाहे मैडिकल कॉलेज, कई अहम गल्लां ने जिहड़ियां, चाहे डिवेलपमेंट आ, रोड, स्ट्रीट और पार्क, स्टेडियम, हर तरह की डिवेलपमेंट के विच मैं पूर्ण जोर ला के इस गुरदासपुर को जिहड़ा बहुत अगे लैके गया। अज मेरा गुरदासपुर जिथे कूड़िया के ढेर लगे सी, अज वो गुरदासपुर पूरे नॉर्थ इंडिया 62 रैंक से आया। सो मैं सारा ही सेरा जिहड़ा साडे जिहड़े सफाई कर्मचारी आ कमेटी घर दे उन्हां नूं दिंदा, उन्हां दी बदौलत आ अज मेरा गुरदासपुर जिहड़ा इन्नी तरक्की की आ और आने वाले समय जिहड़ा 1 साल पिया अपने गुरदासपुर नूं अपने शहर वासियां नूं हल्के असियां नूं पूरा पूर्ण विश्वास दवाउणा कि 29 दे 29 कैंडीडेट जिहड़े आ उह असीं जित के ते पूरे गुरदासपुर हल्के दी शान जिहड़ी आ होर उच्ची करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम दविंदर कौर, वार्ड नंबर मैं 7 उम्मीदवार हाँ। तो पहला भी तुम दसना चाहती हाँ कि मैं आजाद जीती, आजाद चोन लड़ी थी, उस भी मैं चंकी लीड लैके मैं जित हासिल की। हूँ मैं बलिंदरजीत सिंह पाड़ा जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनिया है। तो वार्ड नंबर 7 के मैं उम्मीदवार हाँ। तो मैं उन्होंने यकीन दवाई हाँ कि उन्होंने जिन्हें भी विकास के काम हैं मैं पहल के आधार पर पूरे करांगी कि यह जित लंबी लीड लैके मैं उन्होंने झोली के पावगी। थैंक यू। तो मेरा नाम नरेंद्र कुमार, प्यार ना लोग मैंने बाबा कहें और मैं वार्ड नंबर 26 तो जोड़े वो अपनी नॉमीनेशन की है। किस मनोरथ में लैके चोन मैदान उतरे? सर मनोरथ सिर्फ एक ही है जी, अपनी वार्ड का विकास और जिस तरह भी हो सके अपनी वार्ड में सब तो एक नंबर से लैके जाना और मैं
पाड़ा साहब का बहुत ही धन्यवादी हाँ जिन्होंने मैं ये टिकट दे के नवाजा और मैं पार्टी का कांग्रेस का कांग्रेस का बहुत ही धन्यवादी हाँ जी जिन्होंने मैंने पार्टी की टिकट दे के नवाजा। मैं प्रयोतम शर्मा वार्ड नंबर 16 तो कांग्रेस का कैंडीडेट हाँ बाबा और बाबे उस वार्ड से मैं कम से कम 30 साल से हो गया। किस चोन मनाथ लैके मैदान से विकास के मुद्दे पर केवल क्योंकि साढ़े एम एल ए साहब जोड़े है वो विकास से बहुत जोर देंगे है जड़ी काम उन्होंने अच्छ कहता जाए सवेर तो शुरू होता वा अभी पाड़ा पाड़ा परिवार के नाल और उन्होंने हाथ मजबूत करने वास्ते अं चोन मैदान च उतरे हैं और सानू यकीन है भी बड़े वधिया तरीके ने जिता। मेरा नाम संजीत कुमार है वार्ड नंबर 20 तो मैं पेपर फाइल किए हैं। किस पार्टी नाल तुसीं लड़दे हो? मैं कांग्रेस पार्टी नाल रिलेटेड है ऑलरेडी मैं दो बार अगे जितया थर्ड बार तीसरी बार भी मैं जितांगा कांग्रेस पार्टी नूं फिर फतवा और कांग्रेस पार्टी के बंदे मेरे नाल ने एक मेरे नाल नवी वार्ड जुड़ी है 14 नंबर वार्ड जुड़ी है 14 नंबर के वार्ड के मैंबर भी मेरे नाल खड़े ने बैंक साहब ने पिछली बार इलेक्शन लड़ी सी 14 नंबर तो वो मेरे नाल खड़े ने वार्ड नंबर 15 तो मैं पहला भी काउंसलर सीगा उतों मैं ये माता जी के घरों बैठ के लड़ी सी परमजीत जी ये मेरे माता जी ने इन्हें घर बैठ के मैं इलेक्शन लड़दा और यही मेरे मोढ़ी होंगे है कादरी महल तो। अपील करना चाहोगे किस मनोरथना चोन मैदान उतर रहे हो? मैं ऑलरेडी इन्ने क काम महल करा दते हैं वार्ड से इन्ने काम कराते हैं कोई लाइट की दिक्कत नहीं है कोई सीवरेज की प्रॉब्लम नहीं आ रही है कोई किसी तरह की ऐसी गल नहीं है कोई गली का कोई भी यहोजा कोना नहीं है सरिए पा पा के बीम पा पा के गलियां बना के दतिया ने इन दियाँ कि जिद कोई अगर ट्रॉलियां बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं मतलब ये तो वार्ड के मैंबर तो पता कर सकते हो तुम वार्ड के मैंबर मेरे ना खड़े है आप 25 नंबर वार्ड तो खड़ी हाँ और मैं एम एल ए साहब की बदौलत अज इलेक्शन लड़ रही हूँ तो इन्होंने जो काम किए उन्होंने पद चिन्ह पर ही मैं चलती रहूँगी तो उस तरह ही काम करा बहुत ही सत्कारयोग एम एल ए कांग्रेस आई दे वरिंदरजीत सिंह पाड़ा जी उमन की रहमा हराम च मेरी पत्नी सुनीता वार्ड नंबर 25 तो अज कांग्रेस की टिकट सानू दी है। मैं पहले वरिंदरजीत पाड़ा जी का बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने सानू पिछले ही इलेक्शन जीत के 1.5 साल के जो डिवेलपमेंट अपनी वार्ड की कीती है सारा सत्कार जो है एम एल ए साहब गुरमिंदर बादल जी सिंह पाड़ा जी जाता है असी बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने साढ़े छोटे छोटे गल ध्यान सुन के महल्ले दे विच सारा एक महल्ले दे विच बहुत ही गंदगी और बहुत ही पानी का बुरा हाल सी जो बराबर रोड तो साढ़े घर छप्पर एक बार लगता है जिसे पानी का बहुत प्रभाव सारा महल डुबा उस विकास को लैके पानी का सारा रमा मका के सड़क बना के गलियां बना के पार्क भी असी अपनी वार्ड एम एल ए साहब को बनवा दिता है। मैं एम एल ए साहब का बहुत धन्यवादी हाँ जिदा सही पिछली चोन विकास के नाते लड़ी सी अज भी असी विकास के नाते सरदार रविंदर सिंह पाड़ा जी के रहमा राय दुपारा परिवार में लड़ा।